जय जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखत हो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज गदर के पड़ाव कटघोरा मा। कटघोरा जिन अपन सांस्कृतिक मूल्य के वजह से जाने जाते, जिन राजनीति के वजह से जाने जाते, जिन अपन कहे जाए रीति रिवाज परंपरा अपन अनुशासन सब बर कटघोरा जाने जाते। एकरे वजह से छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण स्थान है कटघोरा। तो आपके शहर पर जोरदार ताली कटघोरा पर। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम कंवर जी, कटघोरा के विधायक। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे साथ हैं विकास झा जी, कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विशाल केलकर जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बातों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे वर्तमान विधायक पुरुषोत्तम कंवर जी के पास हम चलते हैं। कंवर जी, आपका स्वागत है गदर की इस मंच में। और आपकी आवाज इसलिए भी आज महत्वपूर्ण है कि कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव है, आपको चुनाव में जाना है। किन कामों को लेकर आप विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे कंवर जी? कंवर जी का माइक देख लीजिए। तो ये जो सवाल है, आज हम जो कटघोरा में हैं, केवल एक कोशिश है ये जानने की कि कटघोरा क्या जानता चाहता है, कटघोरा की जनता के मन में सवाल क्या है, कटघोरा विकास के पथ पर कहाँ है, और सबसे बड़ी मांग कब बनेगा कटघोरा जिला। इसके लिए तो ताली होनी चाहिए। और अपने प्रतिनिधियों को भी आपको बताना चाहिए कि हाँ, कटघोरा के लोग तैयार हैं जिला बनाने के लिए। बस आग्रह ये है कि आप अपने आत्मबल से, आप अपने पुरुषार्थ से कटघोरा को जिला बनाइए। विधायक जी, 2018 के विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित होने के पश्चात मैंने जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, उन सभी क्षेत्रों में हमने निर्माण काम कराए हैं। साथ ही साथ जो जिले की बात है, जिले की जो मांग है कटघोरा की, जो बहुत पुरानी मांग है, निश्चित रूप से जिले की मांग पूरी होगी। इसके लिए हमने पहल भी शुरू कर दी है। कटघोरा में हम लोगों ने अतिरिक्त कलेक्टर और एडिशनल SP के हम लोग यहाँ पद स्थापना कराने के लिए हमने प्रयास किया। इसमें एडिशनल कलेक्टर हमने प्रयास में सफलता मिली है विधायक जी। यहाँ हमने एडिशनल कलेक्टर बैठा दिया है और बहुत जल्दी एडिशनल SP पोस्टिंग होने वाली है। बहुत जल्द जनता कितना भरोसा कर रही, तालियों से पता कर लेते हैं। हमारे साथ विकास झा जी हैं। विकास झा जी युवा जो है तुर्क हैं समझिए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ये सक्रिय नेता हैं। क्या लगता है इस बार कमल क्या खिल पाएगा कटघोरा में? मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं हर जगह जाता हूं, प्रेम से बोलिए बजरंग बली महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भारत माता की। आज जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के विधायक हैं हमारे कटघोरा में, मैं उनको सर्वप्रथम नमस्कार करता हूं। और अपनी बात को बोलने से पहले मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के हमारे विधायक जी से, कि उनके बनने के पश्चात जिस प्रकार 2018 में इनका जो चुनावी घोषणा था, घोषणा पत्र में उन्होंने जिनको हम मानते हैं ऐसे ऐसे मां गंगा को के हाथ में जल लेकर उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे वादे किए थे जिनको आज वो पूरा करने में असक्षम है। मैं एक युवा हूं और अपने बेरोजगार साथियों की बात आपके मंच के मां चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया? 2500 रुपए 4 साल से ऊपर हो गए, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता कौन आया था? और अभी हाल ही में 2-3 महीना पहले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यह आश्वासन दिया है कि 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे वो। तो क्या वो बेरोजगारी भत्ता उन्होंने 2500 रुपए देना चालू कर दिया? कि इस प्रकार की उन्होंने जो कई प्रकार की ऐसे बाधाएं युवाओं के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि उस क्राइटेरिया में एक आम आदमी, आम युवा बेरोजगार नहीं आ सकता है, क्या वो किए? नहीं। ऐसे मेरे बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल मेरा विधायक जी से है, मैं चाहता हूं कि उनका जवाब मिल जाए मुझे। बिल्कुल, आपको जवाब मिलेगा जब उनके तक हम आएंगे। लेकिन उसके पहले, क्योंकि क्रम जो चल रहा है, आम आदमी पार्टी के
विशाल केलकर हमारे साथ हैं। विशाल जी, आपके वीडियो तो बड़े वायरल होते हैं, बड़े वायरल होते हैं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी? आपके पिता छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, अभी हाल ही फिलहाल में कार्यक्रम बिलासपुर में भी हुआ, उसके पहले रायपुर में भी हुआ। कहां पाते हैं आम आदमी पार्टी को कटघोरा में आप? देखिए, पूरे प्रदेश को और स्पेशली कटघोरा को तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी लूटा है। आम जनता इसे देख रही है। पहले उनके पास विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी के रूप में एक विकल्प है जो मजबूती के साथ खड़ा है। अभी जो हमारे माननीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर जी ने बात की कि कटघोरा को जिला बनाने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया है, इस तरह का झुंझुना अब चुनाव से जस्ट पहले वो पकड़ाएंगे, किसी अपर कलेक्टर को यहाँ बैठा देंगे, लेकिन जिला तो नहीं बना पाएंगे। कोरबा जिला 6,500 वर्ग किलोमीटर का होता है, इससे कई छोटे जिले हैं, जीपीएम हो गया, एमसीबी हो गया, चापा जांजगीर हो गया, वो जिले बन गए। उसके पहले से मांग चल रही है कटघोरा की, ये जिला नहीं बनवा पाए। इन्होंने सड़क की बात की, इनके घर के पास जाइए, घर के पास 100 मीटर आपको सड़क नहीं मिल पाएगी। क्या सड़क बनवाएंगे कटघोरा की जब ये अपने घर के सामने की नहीं बना पाए? कोरबा, मैं पूरे कोरबा जिले की बात करता हूं, कटघोरा की हालत तो उससे भी खराब है। कोरबा का जिला अस्पताल में अगर कोई लेडीज जाती है सोनोग्राफी करने, उसे 15 दिन बाद का समय मिलता है। कटघोरा में तो सोनोग्राफी की मशीन भी नहीं है, तो ऑपरेटर भी नहीं होगा। कितने दिन बाद का समय मिलता है, कितने दिन बाद का समय मिलता है वो आप पूछ लीजिए, इनकी क्या हालत है। जो लोग अपने घर के सामने की सड़क नहीं बना सकते, वो लोग क्या काम करेंगे आप बताइए। तो ये सवाल उठ रहे हैं विधायक जी, विधायक जी के पास दो दो सवाल आए हैं। विधायक जी, सवाल क्या है विधायक जी? और कटघोरा में मच चुका है गदर, और गदर है विकास के लिए, गदर है कटघोरा को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए। और इसी बीच, इसी मंथन से जो है हम निकालने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, सवाल बहुत सारे हैं, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं की बात हो, चाहे जिला की बात हो, चाहे जो बात झा जी ने उठाया, जय सड़कों की बात। क्या ये सच है कि आपके घर के सामने सड़क ठीक नहीं है? मैं हमारे दोनों साथियों के सवालों का जवाब दे देता हूं। जी, पहले विकास जी का जो सवाल था, हमने जो 36 घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, उसमें के हमने 95% वायदे हमने पूर्ण कर दिए हैं। की बात है, मैं इन्हीं के हाथ से शुरू कर देता हूँ, बाकी मोगरा से। बाकी मोगरा में कॉलेज की मांग थी, हमने कॉलेज चालू करवाया। बाकी मोगरा में नगर पालिका की मांग थी, हमने नगर पालिका, हम अब उसको जल्द 2 महीने में अस्तित्व आ जाएगा। वहाँ स्कूल की मांग थी, इंग्लिश में हमने स्कूल चालू करा दिए हैं। ज़्यादातर विकास केलकर जी का एक बात है, सड़क के मामलों में आप किसी भी विधानसभा से तुलना कर लीजिए, सबसे अच्छी सड़कें कटघोरा विधानसभा की है। और जहाँ जिला की बात करते हैं, ये लिख के ले लीजिए कि जिला बन के रहेगा, मुझसे लिखवा कर लीजिए जिला बन के रहेगा। ये बहुत बड़ी बात जो है आज गदर के मंच में विधायक जी ने कहा है कि मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि कटघोरा जिला बनेगा। तो मैंने इसे लिख लिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कटघोरा की ये मांग News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं समय समय पर उठाता रहूं। केलकर जी, कितना भरोसा? पिछले बार भी यही वादा किया था इन्होंने, लिख के ही दिया था, क्या फर्क पड़ा? हाँ, पिछले बार भी लिख के दिया था घोषणा पत्र में इन्होंने, इस बार से दे रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते रहे हैं ये भारतीय जनता, जब पिछले बार वादा पूरा नहीं किया तो अब कैसे वादा पूरा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जी, जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जी जी, ऐसा है महोदय कि जो कटघोरा जिला बनाने की बात थी, और ये जो नगर पालिका बांकी मोंगरा की बात किए, और जो बेरोजगारी भत्ता की बात किए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या 2023 के चुनाव के बाद ये कटघोरा जिला बनाएंगे? क्या ये 2023 के चुनाव के बाद में नगर पालिका को अस्तित्व में लाएंगे? क्या ये बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ में चुनाव में बदलने के बाद बनाएंगे? अरे मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, जो आप लोग बोल रहे हैं, अरे उस आम आदमी के बारे में सोचिए जो अपना 5 साल बर्बाद कर लिया,
अरे उस आम आदमी के बारे में सोचिए जिसने आपने आपको भरोसा देके वोट दिया। अरे उस आम आदमी के बारे में सोचिए जिसका घर का चूल्हा जलाने का काम और घर में अगर भोजन देने का काम अगर कोई किया तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया बीडीसी योजना के माध्यम से। लेकिन आज ये केवल एक झूठा लबारी की सरकार है। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जिनको वोट दिए हैं और आप लोग जितना बोल रहे हैं वो केवल आने वाले दिन में जुमला साबित होगा। और आम आदमी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि विशाल केलकर जी हैं कि 15 साल इन्होंने लूटा, 5 साल इन्होंने लूटा, तो मैं केलकर जी को ये बोलना चाहता हूँ कि अभी अभी आपकी पार्टी मैं आपको भाई बधाई देता हूँ, लेकिन आने वाले दिन में आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में खाता इसलिए नहीं खोलेगी क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली में आपने सरकार बनाई थी ना, आपके अठारह से ज्यादा विधायक और मंत्री अभी भी जेल में है। हम पूरे 90 विधानसभा सीटों में लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल से कोरबा में रेल नहीं चल रही है समय से, किस मुंह से भाजपा वाले वोट मांगने जाएंगे पूरे कोरबा में वो बताइए। पिछले 5 साल से रेल नहीं चल रही है, क्या क्या इन्होंने, इनके मोदी जी की सरकार है ना, एक भी ट्रेन समय पर नहीं चली है, रिकॉर्ड है। कांपा से कोरबा लोकल ट्रेन 5.5 घंटे में पहुंची है, जो गरीब उसमें बैठे थे क्या मुंह दिखाएंगे उनके घरों में जाकर के, किस मुंह से ये वोट मांगेंगे भाजपा वाले, पूछे मांगेंगे। देखिए क्या होता है, जब जानकारी हमको पूरी अगर हो उस पर अपन चर्चा करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जिस प्रकार बोल रहे हैं, जब कोरोना काल आया था तो यही प्रधानमंत्री जी को सब बधाई देते थे कि हर घर में अगर सुरक्षित किसी व्यक्ति को लाने का काम कोई किया था। साहब रेल पे बात कीजिए, रेल पे बात कीजिए, रेल पे बात कीजिए, रेल पे बात कीजिए। गेवरा रोड से 4 सालों से ट्रेन नहीं चल रही है, क्या किया आप लोगों ने, आपकी सरकार है भाजपा की, क्या किया? गेवरा रोड स्टेशन बंद है ना भाइयों, आप लोगों ने गोपुंडा से बंद है ना, गेवरा रोड से नहीं चल रही ट्रेन, बताइए क्यों नहीं चल रही ट्रेन। विधायक जी आप बताइए जो मूलभूत जो समस्या कटघोरा की है उसे हल करने में आप कितने सफल रहे हैं। आज भी देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं कहता कि जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं, एक विधायक के तौर पर वादे बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मन की संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने कटघोरा के लिए किया है। आपने वैसे लिख के तो दे दिया है और मैं इसे भूलूंगा नहीं कि आपने कटघोरा को जिला बनाने की बात कही है, लेकिन कौन सा काम जो है जो आपने कटघोरा के लिए, जिसे लगता है कटघोरा वालों को आपने सौगात दिया हो? हमने कटघोरा में जो पूरे कटघोरा कोरबा जिले में जो कृषि महाविद्यालय की कमी थी, हमने कृषि महाविद्यालय शुरू कराया है, उसकी बिल्डिंग भी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही जल्द उसका लोकार्पण भी होने वाला है। साथ ही साथ पूरे कटघोरा विधानसभा में जो इसकी जरूरत थी, चाहे कॉलेज की, स्कूल की, सिंचाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हमने सभी मूलभूत जरूरतों को हमने पूरा किया है और मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी कोई कमी यहाँ रही होगी। जहाँ तक जिले की बात है उसके लिए मैंने पूरे कटघोरा वासियों को आश्वस्त करता हूँ कि हमारा कटघोरा जिला बनेगा, हमारा कटघोरा जिला बनेगा। तो आइए वो सेशन चालू करते हैं जिसमें जनता से जवाब चाहेगी और सवाल पूछेगी, और कटघोरा सवाल पूछने में अव्वल रहा है। कटघोरा के लोग कभी भी कोई भी बात पीठ पीछे नहीं करते हैं, ये बात मैंने सुना है, और मैं जानता हूं कि कटघोरा के लोग दिल खोलकर जो भी है अंतरात्मा में जो बातें हैं उसे उठाकर रखती है। तो आइए जनता के बीच चलते हैं, आप अपने अपने हाथ उठाएंगे और सबसे पहले जी किन से सवाल है? मैं झाजी से सवाल। झाजी ने अभी आरोप लगाया, अभी आरोप लगाया कि कांग्रेस वादा पूरा नहीं करती, तो सबसे पहले बता दें कि भाजपा झूठ बोलना बंद करे। गंगा जल हाथ में लेकर भूपेश जी ने और हमारे विधायकों ने शपथ लिया था कि सबसे पहले हम कुर्सी में बैठने के बाद किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और किसानों का कर्जा माफ करने वाली बात जो दिल्ली से हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग आए थे उन्हें सरकार बनने के फौरन बाद और एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वापस भूपेश जी घर नहीं गए, वो मंत्रालय आए, मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठते हुए पहला दस्तखत एज ए सीएम उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों का कर्जा माफ। और सवाल जी
15 साल रमन सिंह की सरकार थी, और ये जो जिला की बात करते हैं, ये सारे लोग जो हैं इनके साथ एक जिला बनाओ कमेटी बनी थी रमन सिंह के सरकार के समय। हम लोग कटघोरा के लोग गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं कटघोरा को जिला बनाऊंगा, यहाँ से विधायक दीजिए, सांसद दीजिए। उसके बाद यहाँ से विधायक भाजपा के जीते, सांसद भाजपा के जीते। उसके बाद जब रमन सिंह कटघोरा विकास यात्रा में आए तो मैं खुद उनसे क्वेश्चन किया था माइक लेके, जिसमें भाजपा के भी कुछ साथी मेरे साथ में थे। हमने कहा था कि रमन सिंह जी आपने कहा था तो अपने आदतानुसार और उनका जो चले आता है रिवाज उस अनुसार भाजपा का, उन्होंने पूरे जनता के सामने झूठ बोल दिया। हमने कब कहा था? तो ये लबरी सरकार थी और ये लबरी सरकार जी 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 नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी बात आई कि कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में विकास के क्या क्या काम हुए, तो एक जिला जो अभी प्रयास में है और बहुत जल्द इस पर कोई सकारात्मक संदेश आएगा, जिसे अभी मैं यहाँ पर कह नहीं सकता, लेकिन जो रेल की बात उठाई केलकर जी ने, वो केवल गेवरा रोड कोरबा की बात नहीं है, पूरा देश का रेलवे और रेलवे में सफर करने वाले करोड़ों करोड़ लोग परेशान है, और शायद इसलिए परेशान है कि परेशान होकर लोग रेल को भूल जाए और तब मोदी सरकार इस रेल को बेच दे। मोदी सरकार इस रेल को अब देखे तो हाँ जी, जहाँ जी जवाब दे दीजिए। देखिए पहले जो भाई साहब ने प्रश्न किया, 15 साल आपकी सरकार जी, थी, बिल्कुल बिल्कुल। 15 साल में कटघोरा में जब डॉक्टर साहब आए थे तो ये सब जी जी, मैं पूछ ही रहा हूँ, आप ही वादे की बात कर रहे हैं, आप बताएं झा जी। देखिए जैसा भाई साहब ने प्रश्न किया, उत्तर मैं अपनी तरफ से दे देना चाहता हूँ कि 2500 रुपए ने जो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से उसको किया, लेकिन आप लोग को उसकी सच्चाई मालूम होगी, ये मैं आशा विश्वास जताता हूँ। 2500 रुपए में अगर 2300 रुपए समर्थन मूल्य आता है तो उस केंद्र से नरेंद्र मोदी जी का आता है। और ये जो बोल रहे हैं 1800 ना, तो मैं आप लोग को इसकी सत्यता की पुष्टि कर देता हूं। अभी गूगल खोलिए 2290 रुपए 2300 रुपए के आसपास आपका समर्थन मूल्य हमारे केंद्र से नरेंद्र मोदी जी देते हैं, और आप लोग अगर 200-250 दे रहे हैं और उसके एवज में आप लोग के जो सरकार है, आप लोग की जो सरकार है वो केवल लबरी वाली बात कर झूठ बात है। ये बिल्कुल झूठ बात है कि जो 2300 रुपए दिया जा रहा है, जो केंद्र का जो अंश था वो 1800 रुपए के 1800 कुछ रुपए दिया जा रहा था, बाकी जो है राजीव न्याय योजना के तहत हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के जनता को उस समय जो 2500 रुपए दिया गया था उसमें दिया गया था। एमएसपी अगर कोई किसी को अधिकार है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है। 25 रुपए किलो देने का अधिकार ना तो इनको है। ये न्याय योजना चलाए और न्याय योजना चला के चार किस्तों में पैसा दिए, जो पैसा अभी तक 2 साल का पैसा अभी तक नहीं जमा कर पाए, ऐसा 25 रुपए। इसी नहीं नहीं पवन भाई ने कही बात है, भाई साहब ने अभी कहा ना कि अभी 2500 रुपए जो देने का अगर हक है वो तो केंद्र से है। अगर आप लोग इस चीज को मानते हैं तो आप लोग को उस चीज को आप ग्राउंड लेवल में लाना चाहिए। उसको 4 किस्तों में क्यों दे रहे हैं, जब सरकार वहां से आपको 2300-2200 रुपए दे रही है, उस पैसे को आप 400 में क्यों दे रहे हैं, बताइए मेरे को। एमएसपी की बात मान रहे हैं, उस एमएसपी को पाने के लिए भी हरियाणा और पंजाब के सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी उस दिल्ली के बॉर्डर पे, तब जाके आज भी उनको आज एमएसपी नहीं मिल पाई। किस तरह से एमएसपी की बात कर रहे हैं, इस तरीके से एमएसपी की बात कर जी जी। आप पूछिए, आप बैठिए कहा जी, कहना है आपसे, आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं, जानकारी दुरुस्त करिए। बिल्कुल दुरुस्त है भाई साहब, अभी गूगल खोलिए और देख लीजिए आप। सुन तो जी, बताइए, सुन तो लीजिए पहले, आप कितने धान की खरीदी की बात हुई थी केंद्र सरकार द्वारा, ये तो आप पहले बताइए। पूछना अरवा कितना क्विंटल चावल कहाँ से राज्य सरकार खरीदेगी केंद्र सरकार, आपकी जानकारी में है? जानकारी में, आपकी जानकारी में मैं आऊंगा झारखंड के पास। और भी सवाल जो लोग हैं कृपया अपने हाथ जो है वो उठाएं, जिससे मैं जो है उनसे सवाल, आम आदमी पार्टी के भी सवाल जो है जरूरी सवाल है जी। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे रमन सिंह जी का सरकार रहा 15 वर्ष में इतना खनन का काम हुआ यहाँ, उससे कहीं ज्यादा जो है आज कांग्रेस की सरकार में खनन का जो है पूरा काम चरम सीमा पर है। और रहा सवाल नरवा घुरवा और गौठान, आप चलिए मेरे साथ अब भी श्रीमान जी,
गौठान में कितने ये लोग गाय बैल को रखे हैं पूरे अभी चौक में मिलेगा आपको हॉस्पिटल चौक में। और एक्सीडेंट हो रहा है दिन, रहा सवाल स्वास्थ्य विभाग का, तो यहाँ जो मेडिसिन ऑफिसर बैठाए हैं वो सिर्फ वो रिफर करते हैं, वो रिफर करते हैं। ये बड़ा सवाल है, ये जनता से जुड़ा सवाल है, इस पर ये गंभीरता से बात होनी चाहिए। क्या कटघोरा में जो अस्पताल है वो रिफर सेंटर बन गया है? क्या वो रिफर सेंटर बन गया है? जी कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और जिले का सबसे बढ़िया अस्पताल है, 50 बिस्तर का अस्पताल है, वहाँ सभी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं और जितने भी यहाँ पीएससी हैं वहाँ सभी जगह डॉक्टर पोस्टेड हैं और सभी जगह बढ़िया अच्छे ढंग से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। और जहाँ तक वो गौठान की बात कर रहे हैं, गौठान के बारे में जानते भी नहीं है लोग। गौठान हमारे पुराने परंपरा रही, छत्तीसगढ़ की संस्कृति कल्चर रहा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पोल खोल भी एक गौठान वाला कार्यक्रम कर रही है, उसको लेकर क्या कहना आपका? गौठान के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जो गौठान बना है वो डे केयर सेंटर है। अरे अब खास करके जो जो खेती का टाइम है, खेती के चार महीने हाँ। जो हमारे जो पशुओं से जो हमारे जो फसल को जो हानि होती थी उसको बचाने के लिए ये गौठान की परिकल्पना थी, उसको हम साकार किया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और केवल हमारे जो स्वसहायता महिलाओं को रोजगार मिल रहा है वो धनराज करने वाली बात अभी अभी विधायक जी ने कही है कि ये गौठान डे केयर सेंटर है, काम हो रहा है, मतलब की रहेंगी, रात में सड़क में रह सकती है। परसों के दिन कोरबा में एक एक्सीडेंट हुआ और तीन जवान लड़के गाय से टकरा के मर गए। कौन जवाबदारी देगा इसका? तीन जवान लड़के गाय से टकरा करके मृत्यु हो गई उनकी, उनके परिवार को यही जवाब दे पाएंगे कि वो गौठान तो डे केयर सेंटर है, रात को हम रोड में रख देते हैं उनको? इन्होंने गौठान का जो कांसेप्ट है उसमें समझा ही नहीं है। जो फसलों से हानि को बचाने के लिए और जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसको बचाने के लिए और गांव में जो गांव के जोर से होते हैं सड़क दुर्घटनाएं रात को भी होती है विधायक जी, दिन में ही नहीं होती, रात में भी होती है दुर्घटनाएं, जाने रात में भी जाती है। बार बार ये कहता हूँ की गौठान के बारे में जानकारी ही नहीं है। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ तभी ये बोले कि यहाँ एडिशनल कलेक्टर की पदस्थापना हो गई है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, कल आए थे क्या कटघोरा में? यहाँ आज से 15 साल पहले भी यहाँ एडिशनल कलेक्टर आकर के बैठते थे। हमें यहाँ पदस्थापना का मतलब होता है पदस्थापना परमानेंट उनका। मैं जवाब दे देता हूँ। जिला प्रशासन की व्यवस्था होती है, जहाँ जितना वर्ग जिले में विभाजन होता है यहाँ पर्याप्त समय देते हैं कटघोरक। यहाँ पदस्थापना परमानेंट पदस्थापना की गई है और यहाँ पूरा बैठना चाहिए, सातों दिन बैठना चाहिए। भाई अभी बैठा है, ये जिला प्रशासन की व्यवस्था होती है कि कहाँ जितना वर्ग के अधिकार होता है किसे कितना काम। विधायक जी जवाब दीजिए। ये जिला प्रशासन की व्यवस्था हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, कभी ट्रांसफर होते रहते हैं, अधिकारियों की कमी रहती है, इसलिए व्यवस्था बनाने के तहत उनका ही बैठाया जा रहा था। या परमानेंट शासन ने कटघोरा में एडिशनल कलेक्टर की पोस्टिंग की है, अभी बता दूं उनका ट्रांसफर भी हो गया और रिलीफ भी हो गए हैं, इसलिए ये शिकायत देकर दूसरी पोस्टिंग हो जाएगी, आकर बैठेंगे। हाँ, एक सवाल और। मेरा एक सवाल है, सबसे पहले मैं भाजपा से विकास भैया जी से सवाल पूछना चाहूंगा। विकास भैया, इतने दिन हो गए भाजपा पार्टी को, उन्होंने एक योजना निकाली है मनरेगा। मनरेगा में सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए, भाजपा ने नहीं निकाला किसी ने निकाली हो? भाजपा और कांग्रेस दोनों ने निकाली हो, दोनों ने ही लूटा है। मेरे सवाल को पूरा होने दीजिए एक बार। जो हमारा मनरेगा है उसमें गड्ढा कोड़ने का काम किया जाता है, क्या हमारे देश की जनता को, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को आप गड्ढा कोड़ने वाले समझे हैं? और अभी निकाले हैं आप लोग नरवा घुरवा उबारी, क्या हमको गोबर पीनने के लायक समझे हैं? क्या हमको पढ़ने लिखने कलेक्टर बनने का हक नहीं है क्या? नहीं, एक सवाल ये देखिए, ये सवाल आ रहा है, ये सवाल में एक बात बता दूं कि गोबर या कोई भी जो चीजें हैं उसे कहीं ना कहीं अलग ढंग से हम जोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की चीजों में वो शामिल है। जी आप बैठे भैया जवाब आप नहीं देंगे, जवाब जो है जनप्रतिनिधि है वो देंगे जवाब। कृपया मैं आग्रह करूंगा, आप तो कटघोरा के लोग हैं, बड़े शालीन मिजाज के लोग हैं, जिस आप जाने जाते हैं,
चिल्लम चिल्ली भी कीजिए, हल्ला भी कीजिए, लेकिन मर्यादा में रह के कीजिए तो मजा भी आएगा, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। जी जय जोहार। मैं चूंकि युवा हूं और युवा सब प्रकार से ठीक है, हमारे यहाँ एक खेले के स्थान नहीं है, स्टेडियम नहीं है, एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि स्टेडियम बनी कि नहीं। बहुत अच्छा सवाल, इसके लिए ताली होनी चाहिए। ऐसी चीजें हैं, मैं चाहता हूँ केवल चुनावी प्रोग्राम ना रह जाए, केवल ऐसा ना हो जाए कि हम हल्ला हाट में चीजें को भूल जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि कटघोरा आए तो कुछ अच्छी करके जाएं, कुछ अच्छी चीजें दे के जाएं। जी कटघोरा में खेल मैदान भी उपलब्ध है और बहुत जल्द उसका कहाँ उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध बता देंगे? हाई स्कूल ग्राउंड बगल में ग्राउंड है, वो खेल मैदान ही। हाई स्कूल पूरी तरीका से बेजा कब्जा हो चुके हैं, एकर नाम से नहीं हो पाए। पर्याप्त मैदान है, उसके स्टेडियम निर्माण के भी व्यवस्था हो चुके हैं। चारा गाँव को भी खेल का मैदान ही कहते हैं इन लोग, चारा गाँव को भी खेल का मैदान देखा जाए तो पूरा उबड़ खाबड़ स्टेडियम नहीं बना पाएंगे, चारा गाँव में ही बोलेंगे खेलो। और सवाल जिनके सवाल जो है, जी पास आते जाएं, जिनके सवाल हैं, शर्माएंगे तो सवाल नहीं पूछ पाएंगे। देखिए हम कटघोरा में हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम कटघोरा की जनता की आवाज जो है वो आगे ले जा सकें। आप लोग अपने स्थान पे बैठे, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए मैं आपके पास ही आया हूं, आपके शहर आया हूं, तो आप उस आतिथ्य को जो है निभाएं। और सवाल पूछना चाहता हूं। सर छत्तीसगढ़ में न्याय योजना कहा गया था, बाकी पूरा छत्तीसगढ़ वालों को अन्याय योजना पर ढकेल दी कांग्रेस सरकार ने। हसदेव अरण्य के बारे में मैं पूछना चाहता हूं इनको, क्या बोला गया था कि जब तक टीएस बाबा नहीं चाहेंगे तब एक पत्ता नहीं हिल सकता, पूरा जंगल उड़ा दिए गए, उसके बारे में क्या बोलेंगे लोग? उसके बारे में क्या बोलेंगे विधायक जी? जी कटघोरा विधानसभा से बाहर का फिर बताता हूँ, पर भी आप बोल दीजिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है, जो एसीसीएल कंपनियां हैं या जो निजी कंपनी है, वो कोयला उत्खनन का काम करती है। जो सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट से, जिस दिन जंगल कटेंगे और बांगों का पानी खत्म हो जाएगा तो कटघोरा पे भी प्रभाव पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखें। जी एक सवाल अब मैं एक कटघोरा का सबसे ज्वलंत समस्या उस पर मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ कटघोरा में पांच साल पहले 11 किसानों की जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया एनएच के द्वारा, और आज तक एक मुआवजा नहीं दिया गया है। हमने केस लगाया कमिश्नर के पास, कमिश्नर ने हमारे पक्ष में फैसला कर दिया, उसके बाद भी ये एनएच का डायरेक्टर पार्लावार बोलता है कि मैं आप लोगों को मुआवजा नहीं दूंगा। और 1 जुलाई से बोला था कि टोल टैक्स वसूल करूंगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप तीनों से, श्रीमान जी तीनों से, आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अभी एनएच का पूरा बना नहीं है, 17.5 किलोमीटर सरकार के सड़क, मध्य प्रदेश सरकार की सड़क से ये जाने वाले हैं, और इनकी पूरी योजना बन गई है। मोहनपुर में टोल प्लाजा बन गया है, एक बटन दबाते ही साथ वो टोल प्लाजा चालू हो जाएगा, और 17.5 किलोमीटर राज्य सरकार की सड़क से जाकर अगर हम टोल टैक्स देंगे तो बताइए कितना बड़ा अन्याय है हमारे। मेरा आप तीनों से निवेदन है कि टोल टैक्स में पैसा बिल्कुल ही वसूलने नहीं दिया जाए, और जब तक ये पैसा वसूलेंगे तो हमारा जो 111 किसान है उनका क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, तालियां होनी चाहिए। मैं ये राजनीति से इतर सवाल है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि तीनों आज यदि झा जी भी यहां हैं तो ये मान के हम चल रहे हैं कि वो देवांगन जी के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं और उनसे काफी उम्मीद है। विधायक जी यहीं हैं और केलकर जी जिस तरीके से वीडियो वायरल करते हैं, कोशिश करेंगे कि कटघोरा के आम जनता की जो आवाज है, आम जनता की जो परेशानियां हैं उसे वो दूर कर सकें। जी मेरा एक ही निवेदन है आप तीनों से कि आप हमारा साथ दें। तो हम आपके साथ हैं, News24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ है, तालियां होनी चाहिए। और मैं ये आग्रह करता हूं सबसे पहले विधायक जी से, विधायक जी वो विधानसभा बनाने वाले भी मुआवजे की बात आ रही है, आपका क्या और रहेगी बात? असली मुख्य मुद्दे की जो भी मदद चाहिए, मैंने पहले भी स्मृति ईरानी ने 367 के सिलेंडर में चूड़ी मैं इसमें दो बातें करना चाहता हूं। आपके प्रधानमंत्री ने इसमें मैं दो बातें करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जनता के साथ है, अगर आप पता करना चाहें तो आम आदमी पार्टी की सरकार जैसी पंजाब में बनी बहुत सारे टोल टैक्स बिल्कुल बता रहा हूँ। दूसरी बात, मैं जवाब
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भू विस्थापित का मुद्दा कटघोरा का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं तो दूसरे जो शहर दूसरे जो शहर है वहां के जवान में जो देखता हूं भाजपा कांग्रेस दोनों की सरकार रही है उनमें से किसी ने भी उनको सहयोग किया। आज भी आप जाकर देखेंगे तालियां होनी चाहिए। कोई भी भाजपा कांग्रेस का नेता वहां पर नहीं जाता। देखिए अभी जो भाई साहब ने सवाल किया है और सवाल का मैं प्रत्युत्तर दे देता हूं। ये केंद्र के भाई साहब ने कहा कि कटघोरा आप कितने बार आए और वो योजना तो भाई साहब आपके जानकारी के लिए दे देता हूं कि इसी कटघोरा विधानसभा में मेरा जो माध्यम है भाई साहब आप बोल रहे थे मैं चुप था। इसी कटघोरा विधानसभा के बाकी मोंगरा मंडल में गजरा में मेरा निवास है। जोड़ने का बहुत बड़ा भाई साहब मैं आपने सवाल किया मैंने शांति से सुना आपको शांति से जवाब दे रहा हूं। अगर सवाल कर रहे हैं तो सुनना भी चाहिए। समय कम है बात है जल्दी जल्दी इसी विधानसभा में मेरा निवास है मेरा बाकी मोगरा मंडल पार्टी का एक मेरा जन्म हुआ है अंतिम पर आपने कहा कटघोरा में तो मेरा कॉलेज मेरा ज्यादा ज्यादा भ्रमण अगर हुआ है तो कटघोरा विधानसभा की पांचों मंडल में हुआ है। ठीक है जो जानकारी हो रहा है कटघोरा बाजार हो और उसकी चर्चा हो रही है बाजार हो और आपके जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले दिन में उनका यह समस्या का समाधान होगा। झा जी परंतु काफी व्यक्तिगत जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूं अगर यही सड़क आप लोग के लिए ना होगा क्या है आप लोग कितने देर बिजली रहती है केवल केवल 36 और 40 50 हजार और ये सही भी है वो बेचारे क्या करेंगे। आज आप कटघोरा विधानसभा के गांव से गांव जोड़ने वाले सड़क को देख लीजिए अगर एक भी है भाई साहब ने उठाया कि भाई साहब का जो गृह ग्राम है वहां पर सड़क नहीं है। यहां से रायपुर जाने में टोल टैक्स आने जाने का 2.5 से 5 रुपए लग जाता है। कौन गरीब आदमी कर पाएगा। अंत्योदय योजना चला रहे हैं ट्रेन बंद करवा दी 100 रुपए में आदमी जा करके आ सकता है वो गरीब के लिए होती है या आप जो है फोर लेन में जो जाएगा गरीब आदमी। और सवाल जिनके भी सवाल जी जी मैं इधर से भी पूछ लेता हूँ क्या बिजली आ रही है इधर आ रही है और इस तरफ उस मुद्दे पर ही बात हो रही है उस मुद्दे पे बात हो रही है शिकायत मिला है जिनके पड़ोसी गांव अंधेरा से लिखित में हम लोग का आवेदन दिया गांव वाले पूरा 8 घंटा 7 घंटा बिजली बिल आपको बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। एक बार और पूछ लेता हूं बिजली आ रही है कोरबा में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रतिनिधि खड़े हमारे विधायक जी खड़े मैं इनसे सवाल मैं आप सब लोग मैं आज सब लोग और जहाँ तक बिजली बिल की बात कर रहे हैं दूर दराज नगर बिजली आ रही है तो 3 दिन तक बिजली नहीं आ रही है पाली में आप पूछ सकते हैं पंतोरा रोड को जोड़ने वाले सड़क है जो पिछले 5 सालों से बस से बदतर है। अगर सही टाइम पे हम पौधे लगा देते तो शायद क्योंकि जवाब उन्हीं से छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी योजना है कि दो सही आने वाले टाइम में हमको बिजली लेना भी है यहाँ था ये अपने आप में बात कर रहे हैं जो 50,400 कोरोना काल 400 नहीं किया लंबे समय तक बिजली बिल के नाम पर बिजली ही आधी हो गई आ गई तो राज्य में अगर आपकी सरकार घरेलू सामान्य कल में आप बोलते हैं कि केंद्र का सभी जो पार्टी के सम्मानित लोग बैठे हैं आपकी सरकार है भाई साहब मैं राज्य की बात किया हूं जो राज्य स्तर में आता है जो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं अब गांव से गांव जोड़ने वाला अगर कोई काम करता है तो ट्रांसफार्मर खराब होता है आपको ये भी नहीं पता है कि आप जो नेशनल हाईवे की बात किया हूं वो नेशनल केंद्र की योजना है जो सुगम व्यवस्था बनाने का काम कर रहा है विधायक जी किसानों को मुआवजा देने का प्रयास से आरटीओ ऑफिस खुला और आज आपको ट्रांसफार्मर लेने के लिए बिलासपुर नहीं जाना पड़ता है कोरबा से हमारे लिए ट्रांसफार्मर आ जाता है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए आ जाता है कि जो हमारे घोषणा पत्र में था आपने काम कर दिया उसके लिए धन्यवाद। हमसे कई ऐसे गाड़ी वाले हैं ऐसे परिवहन जो काम करते परिवहन क्षेत्र में उनके लिए व्यवस्था की सुगम हो गई है कि आज इसी के लिए वो धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के एक्सीडेंट होते हैं और घटनाएं होती देखिए ये बात से लगभग 4.5 साल पहले एक्सीडेंट वाली बात ये एक्सीडेंट वाली बात तो है ही नहीं उद्घाटन किया है जी उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि मैं कटघोरा का जिला बनाऊंगा 4.5 साल मुंह कर देंगे तो गलती हो जाएगी नहीं कर पाया वो लिखित में बोल रहे हैं लिखित में दे रहा हूं बोल रहे हैं मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूं 15 साल बीजेपी का शासन रहा इन लोगों की सारी रोडों को बर्बाद
खाता न साढ़े पुरुषोत्तम बोले वो सही हो गया। कांग्रेस ने कहीं बैठते जाए आप अपने जगह में बैठे। एक सवाल जो योजना है सवाल है जितना भी पैसा पाते हैं 3-3 लाख रूपए सैलरी सरकार खराब कर रही है 2-2 लाख रूपए 3-3 लाख रूपए सैलरी पाते हैं 75,000 पेंशन पाते हैं हमारे क्षेत्र के विधायक हैं हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। ये तो मैं जानकारी के लिए बता दूं इतना जो भत्ता मिला के 1,000 में कुछ बोलेंगे जो बहुत अच्छे अच्छे आईएएस जाने डीजल के लिए 20,000 में भी कुछ बताइए कि कोई सवाल 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 है सड़कों का। मैं एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करूंगा और सभी से मेरा आग्रह है विधायक जी किस विषय को ध्यान से सुनेंगे। सभा की सड़कें भी अच्छी हैं कांग्रेस का आज शासन है छत्तीसगढ़ में इन्होंने हमारे केलकर साहब ने लेकिन स्थापितों की बात शासन को जो है प्रशासन चला रही है प्रकरण थे 33 साल पुराने प्रकरण थे प्रकरण में भी बहुत सारी कमियां सरकार बना है इनके बहुत सारे नेताओं के नाम में जमीन जो है कालाधार का जंगल और जो घास जमीन जो है आबादी जमीन जो है इनके बड़े बड़े नेता और मंत्री के नाम पे आज घोटाला हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी यदि अपने वंशवाद और जातिवाद से बाहर निकले तो अपने मंत्री का जो जमीन है जो आपका सत्रेगा हो आपका सत्रेगा हो दरिद्रों को हड्डियों हो कटघोरा और उंगरा हो ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा हो उसका जांच कराया जाए 11 प्रकरण ये विषय सवालों से गुजर के ही आप चुनाव में जाएं। और सवाल जिनके भी सवाल बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ में मैं भाई जी से बोलना चाहता हूं कि जो 15 साल के विकास की बात की जब हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और छत्तीसगढ़ की स्थापना अगर कोई किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से हुआ था। एक बात जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भारत में बना था उस समय हमारा राज्य पिछड़े वर्ग और किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है तो जब ये 2-3 साल की कांग्रेस सरकार थी और उसके बाद अगर ये पूरा मेजोरिटी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिला उसके बाद 15 साल में छत्तीसगढ़ राज्य बहुत अच्छे इंसान है अगर बोला जाना गया जाना जाना गया पूरे विश्व में प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ राज्य को एक विकासशील राज्य के नाम से जाना गया। विधायक जी ने बताया कि मैं लिख के दे रहा हूँ अगर जिला नहीं बना तो मैं एक बार कहना चाहता हूँ आप बहुत अच्छे हैं लेकिन कका के फांस में आप फंस जाएंगे और अगर जिला नहीं बना तो जो आप लिख के दे रहे हैं वो लिख के दीजिए या अगर आप चुनाव जीतते भी हैं तो अगर जिला नहीं बना तो आप इस्तीफा देंगे क्या। पहले मैंने जिला बनाने का वादा किया तो मैं जिला बनाऊंगा ठीक है ना भाई 15 साल ये नहीं बना की स्थिति में कह रहे हैं आपने वैसे लिखित में की बात कही हुई है ठीक है मैं तो कह रहा हूँ चुनाव के पहले लिखो दूसरी उपलब्धि मेरा और सवाल ऐसा है जी जहाँ का अस्पताल जो है रायपुर से माननीय विधायक और तीसरा मेरा आपसे सवाल 2.5 साल की सरकार कांग्रेस की शुरू में थी स्वीकृति उस योगी सरकार ने महोदय वहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी रखी वो भी आपका टैक्सी स्टैंड वाले भी कटघोरा का साप्ताहिक बाजार और रहेगी असली मुख्य मुद्दे की बात ऐसे घोषणा के बाद अभी तक नहीं बन पाया। 67 के सिलेंडर महोदय एक चूड़ी ऑटो वाला रोड पे खड़ा होता है एक नहीं ये विधानसभा स्तरीय का क्वेश्चन है तो आप पूछिए आप बैठिए आप अपनी जगह बैठिए नहीं आप सिलेंडर चाहिए कि नहीं पेट्रोल चाहिए कि नहीं तो महोदय मैं जानना चाहता हूँ वो गरीब इस पे आप जो सब्जी का व्यवसाय करते हैं जिनके लिए झाजी जिनके लिए जवाब देने की सुविधा नहीं है मैं तो स्टेडियम बनाने की बात करते हैं विधायक जो शहर है उल्टा सवाल जवाब में जो देखता हूँ अगर मेरी जानकारी में लिखित में दे सब व्यवस्था कराएंगे तालियां होनी चाहिए एक बार तालियां होनी चाहिए इनके लिए मानना पड़ेगा जी इन्होंने जिस तरीके से बोला घोरा विधानसभा में ताली होनी चाहिए दायित्व बनता है लिख कर देंगे देखिए और अभी जो भाई साहब ने सवाल किया है जी और सवाल का मैं मेरा उत्तर दे देता हूँ सवाल ये है कि भाई साहब ने कहा कि आज जो डिवाइडर बना हुआ है तो भाई साहब इसमें से गुजरते होंगे अभी तक मेरे कड़घोरा विधानसभा में मेरा लहरा रहा है डिवाइडर। दूसरा सवाल इसी कड़घोरा विधानसभा के बाकी मोगरा मंडल में गजरा में मेरा निवास हो रहा है इसका जिम्मेदार भाई साहब ने आपने सवाल किया मैंने शांति से सुना आपका शांति से जवाब जवाब दीजिए अगर सवाल करें तो सुनना भी चाहिए समय कम है अभी नगर पालिका का ही सवाल है इसी विधानसभा में मेरा निवास है बाकी मोगरा मंडल में मेरा जन्म हुआ
और आपने कहा कटघोरा में, तो मेरा कॉलेज मेरा ज्यादा ज्यादा भ्रमण 15 साल विधानसभा के चुनाव हरदी बाजार हो। अभी जानकारी के लिए बता देते शासन चलाने के बाद बेरोजगारी भत्ता का याद आ रहा है, जुड़ा हुआ सवाल याद दिलाएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार अच्छे से चुनाव लड़ रही है तो जनता तो आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेगी। और जो बिजली बिल 40 लेकिन कांग्रेस सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि जिस समय सत्ता में आने से पहले इन्होंने शपथ ली थी कि शराब बंदी करेंगे, बिजली बिल 50,000 आ रहा है 8 घंटे शराब कब बंद होगी। सवाल कटघोरा के बहुत सारे हैं और 20,000 तो फिर भी घर बार बेच के माइक को बस और कोशिश करेंगे कि जो बातें आज हुई हैं उन बातों में कहां तक काम हुआ है। अंतिम में मैं यही चाहूंगा कि हमारे जिले में निर्बाध बिजली आपके पास और झा जी कम शब्दों में अपनी बात मैं इधर से भी पूछ लेता हूं, क्या बिजली आ रही है इधर आ रही है कटघोरा विधानसभा के जो हमारे इस तरफ से शिकायत मिला है इनके पड़ोसी गांव लुनेरा से लिखित में हम लोग का आवेदन दिया गांव वाले पूरा 68 घंटा 67 घंटा बिजली घोर रहे थे। मैं आपको पेश करके दिखा देता हूं, एक बार और पूछ लेता हूं बिजली आ रही है कोरबा में। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, पंजाब और दिल्ली में लोगों ने देखा है काम करने के बाद लोगों ने सरकार भी बनाई है और उन्हें तुरंत ही उसका लाभ मिला है। विधायक जी की जनता भी हमें इस बार वोट करेगी और हमारी सरकार बनाएगी, बिजली की कोई कमी नहीं है इसलिए पूरे 24 घंटा जिस प्रकार 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की विकास यात्रा देखिए और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की योजना से आज हमारे जो देश पूरे विश्व में अपना पताका लहरा रहा है उसी विश्वास के साथ में आने वाले दिन में 2023 में हम लोगों को विश्वास विधानसभा में सर्वोच्च सरकार किसी की बने कटघोरा सर्वोच्च मंगला की कृपा सदैव कटघोरा पर बनी रहे पर चाहते हैं लाने की कोशिश विधानसभा को इस तरीके से अच्छा करना है, इस तरीके से आगे ले जाना है, दिशा में प्रयास करते रहे। बिल के नाम पर बिजली ही आधी हो गई है। मैं यहाँ पे घरेलू सामान्य सभी जो पार्टी के सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं सब आप लोग को पहले तो ये बता दूं, इतने सालों से हम लोग ट्रांसफार्मर जो है बिलासपुर से मंगाते थे सना, जो भी ट्रांसफार्मर खराब होता देखो आपको ये भी नहीं पता है कि आप लोग कहाँ से ट्रांसफार्मर मंगाते थे, नहीं पता ना। मैं आपको बता रहा हूँ आप विधायक जी के अथक प्रयास से यहाँ डी ऑफिस खुला और आज हमको ट्रांसफार्मर लेने के लिए बिलासपुर नहीं जाना पड़ता है, कोरबा से हमारे लिए ट्रांसफार्मर आ जाता है। तो कोरबा से हमारा ट्रांसफार्मर आ जाता है वो मतलब हमारे घोषणा पत्र में था, आपने काम कर दिया उसके लिए धन्यवाद। हाँ 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 आप बोलिए, आप हर सवाल का जवाब, हर सवाल नहीं आप जवाब दीजिए ना। मेरा विधायक बिजली से मैं दूसरा संबंधित पूछूंगा, मेरा विधायक महोदय से सवाल है, आज से लगभग 4.5 साल पहले विधायक महोदय ने जब अपने कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि मैं कटघोरा को जिला बनाऊंगा, 4.5 साल गुजर गए नहीं बन पाया। वो लिखित में बोल रहे हैं, लिखित में दे रहा हूँ बोल रहे हैं जी, लिखित में बोल रहे पहले भैया इन लोगों को बना दीजिए क्योंकि तो ऐसा हो गया भैया खाता न पुरुषोत्तम बोले वो सही, ऐसा थोड़ी ना। आप बैठते जाएं, आप अपने जगह में बैठें जी। एक सवाल है भाई का। हाँ, हाँ। सर सभी पार्टियों से सवाल है, जो ये लोग तनख्वाह पाते हैं 3-3 लाख रुपए सैलरी, कौन पा रहा है? विधायक लोग 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए सैलरी पाते हैं और 75,000 पेंशन पाते हैं, इतना क्यों लेते हैं? ये लोग सेवा करने आते हैं कि तनख्वाह लेने आते हैं? अरे यार ये तो मैं इनके जानकारी के लिए बता दूं जी, बताए विधायक जी आप 20,000 है भत्ता वत्ता मिला के 1,10,000 मिलता, बस 20,000 सैलरी हमारी मात्र, इतनी सैलरी भत्ता आने जाने डीजल के लिए 20,000 सैलरी हमारी। ये सवाल जी। मैं एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करूंगा और सभी से मेरा आग्रह है कि इस विषय को ध्यान से सुनेंगे। कांग्रेस का आज शासन है छत्तीसगढ़ में, लेकिन शासन को जो है प्रशासन चला रही है और सुन लीजिए जब से इनकी सरकार बना है इनके बहुत सारे नेताओं के नाम में जमीन जो है काला झाड़ का जंगल और जो घास जमीन जो है आबादी जमीन जो है इनके बड़े बड़े नेता और मंत्री के नाम पे आज घोटाला हुआ। अगर ये कांग्रेस पार्टी यदि अपने वंशवाद और जातिवाद से बाहर निकले तो अपने मंत्री का जो
जमीन है जहाँ कसरेगा हो, आपका सतरेगा हो, दर्री हो, कोहड़िया हो, कटघोरा हो, रूमगरा हो, ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा हो, उसका जांच कराया जाए। 11 प्रकरण है इनके, जांच कराया जाए। ये विषय अलग है जी। और सवाल जिनके भी सवाल हो। अरे यार, दो तो पूछ चुके हैं, एक पत्रकार बन के आए हो। मैं ये पूछ कहना हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे पूर्वज पहले बताया करते थे कि जब कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी पूरे भारत में, तो जब ये 4 राज्यों में सरकार है और किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो जब ये 70 साल राज किए होंगे तो लोग कैसे बोल पाते रहेंगे। दिख गया, ये दिख गया यहाँ पे। अब मेरा माननीय विधायक जी से कुछ प्रश्न है। मेरा बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मानते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं। चलिए एक बार आपके प्यार और ताली के लिए ताली तो हो जाए। मैं बता दूं एक बार, अभी विधायक जी ने बताया कि मैं लिख के दे रहा हूं अगर जिला नहीं बना तो। मैं एक बार कहना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन कका के फांस में आप फंस जाएंगे। और अगर जिला नहीं बना तो जो आप लिख के दे रहे हैं वो लिख के दीजिए कि अगर आप चुनाव जीतते भी हैं तो अगर जिला नहीं बना तो आप इस्तीफा देंगे क्या। सिर्फ मेरा अंतिम, देखिए मैंने जिला बनाने का वादा किया तो मैं जिला बनाऊंगा, ठीक है ना भाई। ये नहीं बना की स्थिति में कह रहे हैं, आपने वैसे लिखित में की बात कही हुई। मैं तो कह रहा हूँ लिख के दूंगा भाई, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ पहले ना, चुनाव के पहले लिख के दिया जाए, चुनाव के पहले, चुनाव के पहले लिख के दे दीजिए आप। और सवाल जी। आप बोलिए। हाँ, माननीय विधायक महोदय जी, मेरा आपसे सवाल, आपने अभी बोला कि स्टेडियम बनाने के लिए स्वीकृति स्टेडियम की दे दिए हैं। महोदय, वहां कुछ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, आपका टैक्सी स्टैंड, कटघोरा का साप्ताहिक बाजार और कटघोरा का चौपाटी, उस ऐसे घोषणा के बाद अभी तक नहीं बन पाया। महोदय, एक ऑटो वाला रोड पे खड़ा होता है, एक नहीं, ये विधानसभा स्तरीय अगर क्वेश्चन है तो बिल्कुल देश का क्वेश्चन। आप पूछे, आप बैठिए, आप अपनी जगह बैठिए। नहीं, आप पूछे विधानसभा स्तर का, तो आप पूछे। तो महोदय, मैं जानना चाहता हूँ वो गरीब जो सब्जी का व्यवसाय करते हैं, जिनके लिए साप्ताहिक बाजार रोड के ऊपर जिनका बाजार लगता है, जिनके लिए एक टैक्सी स्टैंड की सुविधा नहीं है, आप स्टेडियम बनाने की बात करते हैं। विधायक जी जवाब दें। उल्टा सवाल इनका नगर पालिका का है, फिर भी अगर मेरी जानकारी में लिखित में दे, हम सब व्यवस्था कराएंगे। एक बार तालियां होनी चाहिए विधायक जी का। विधानसभा में जी, कटघोरा नगर पालिका कटघोरा विधानसभा में है, कोरबा विधानसभा में नहीं, कोरबा विधानसभा में नहीं है। दायित्व बनता लिख कर देंगे बोल रहे हो। और सवाल, और जी जी जी, मेरा विधायक जी से सवाल ये है कि कटघोरा में आज जो डिवाइडर बना हुआ है, रोज इसमें से ये गुजरते होंगे, अभी तक मेरे ख्याल से आपकी नजर नहीं पड़ी, लहरा रहे डिवाइडर। दूसरा सवाल मेरा ये है, जो इस खुले डिवाइडर को छोड़ा गया है और इतना एक्सीडेंट डेली हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, जिसमें हाथों हाथ हाथ पैर टूट रहे हैं लोगों के डेली, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। ये भी नगर पालिका का ही सवाल है, अध्यक्ष को बुला लेते, यहाँ के संबंधी जवाब दे देते। जी 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 जी, सर रमन सरकार 15 साल शासन की, चुनाव जीतने के लिए उनको मोबाइल बांटना पड़ा, लेकिन जनता ने उसे प्यार दिया और सत्ता से बाहर की। अभी 4.5 साल शासन चलाने के बाद आज बेरोजगारी भत्ता का याद आ रहा है, तो जनता तो अभी भी इनको याद दिलाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार अच्छे से चुनाव लड़ रही है, तो जनता तो आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेगी। लेकिन कांग्रेस सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि जिस समय सत्ता में आने से पहले इन्होंने शपथ ली थी कि शराब बंदी करेंगे, ये शराब कब बंद होगी? सवाल कटघोरा के बहुत सारे हैं और कोशिश करेंगे कि फिर कुछ दिनों के बाद आपके शहर कटघोरा आए और कोशिश करेंगे कि जो बातें आज हुई हैं उन बातों में कहां तक काम हुआ है। तो अंतिम में मैं यही चाहूंगा कि हमारे विधायक जी, केलकर जी और झा जी कम शब्दों में अपनी बात जनता से कहें, कम शब्दों में जी। कटघोरा विधानसभा के जो हमारे 3.5 लाख जनता है, उनके अपेक्षाओं के अनुरूप मैंने विकास के काम कराए हैं और कटघोरा की जनता इससे संतुष्ट है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है,
और पंजाब और दिल्ली में लोगों ने देखा है, हमने काम करने के बाद वोट मांगे हैं, लोगों से लोगों ने सरकार भी बनाई है और उन्हें तुरंत ही उसका लाभ भी मिला है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता भी हमें इस बार वोट करेगी और हमारी सरकार बनाएगी। जिस प्रकार 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी के विकास की गाथा पूरे छत्तीसगढ़ में बही थी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के योजना से आज हमारा जो देश पूरे विश्व में अपना पताका लहरा रहा है, उसी विश्वास के साथ में आने वाले दिन में 2023 में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कटघोरा विधानसभा पूरे 90 विधानसभा में सर्वोच्च विधानसभा होगा। विश्वास दिलाने के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं, सरकार किसी की बने कटघोरा सर्वोच्च होना चाहिए, यही हम कामना करते हैं। माता सौरमंगला की कृपा सदैव कटघोरा पर बनी रहे, यही हम चाहते हैं और यही है कि आप कोशिश कीजिए कि अपने विधानसभा को किस तरीके से अच्छा करना है, किस तरीके से आगे ले जाना है, उस दिशा में प्रयास करते रहे। आप देखते रहिए गदर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।